हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पपड़ी चाट की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लिया है, अब हम इसमें एक कप मैदा डालेंगे और एक कप हम इसमें बारीक सूजी डालेंगे। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारी मुट्ठी बन रही है, ये हमारी पपड़ी खस्ता बनेगी। तो अब हम आटे को गूंथ लेना है। आटा गूंथ लिया है, हमारा डो रेडी है। अब हम एक चकला लेके रोटी के जैसे हम बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें इसे पतला पतला ही बेलना है। तो फ्रेंड्स अब हमने रोटी बेल ली है, अब हम कांटे के चम्मच से इसमें छोटे छोटे होल्स बना लेंगे, नहीं तो फ्रेंड्स हमारी पपड़ी फूल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम एक बॉटल का ढक्कन लेके इसको रोटी के ऊपर प्रेस करेंगे और पपड़ी को कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी पपड़ी कट हो रही है इसे। तो हम सारी पपड़ी को ऐसे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम एक कढ़ाई लेंगे पपड़ी फ्राई करने के लिए। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे और पपड़ी को डाल देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारी पपड़ी बनके तैयार है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। और दूसरी बैच भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो सारी पपड़ी हमने फ्राई कर ली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम पपड़ी चाट बना लेंगे। अब हमने इस पर दही डाला है, ये मीठा दही है, इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर बना लिया था फ्रेंड्स। अब हम ग्रीन चटनी डालेंगे। अब हमें इमली की चटनी डाल देना है। अब हम इस पर सेव डाल देंगे। और थोड़े से अनार के दाने। तो फ्रेंड्स ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।